हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द एसे मॉडर्न फिक्शन व्हिच वाज रिटन बाय एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड क्रिटिक वर्जीनिया वुल्फ। सो दिस एसे वाज रिटन इन 1919 एंड वाज पब्लिश्ड इन 1921 विद अ सीरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज कॉल्ड मंडे और ट्यूसडे। सो आई जस्ट वांट टू कीप दिस वीडियो वेरी सिंपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। So basically this essay is a criticism of writer, criticism of literature from the previous generation. तो ये एक मॉडर्न पीरियड की राइटर थी और इन्होंने प्रीवियस जनरेशन, जो मतलब इसके पहले वाला जो पीरियड था, उन राइटर्स को क्रिटिसाइज किया है और अपने इस एसे में ये सजेस्ट किया है कि एक राइटर को कैसे लिखना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। सो दिस एसे एक्चुअली एक्ट एज अ गाइड फॉर राइटर्स ऑफ मॉडर्न फिक्शन टू राइट व्हाट दे फील, जो उनको अच्छा लग रहा हो, जो अच्छा फील कर पाते हैं वो चीज उनको लिखना चाहिए, ऐसा वर्जीनिया वुल्फ बोलती है, ना कि जो सोसाइटी डिमांड करता है या फिर पब्लिशर डिमांड करते हैं। सो राइटर शुड राइट व्हाट इंस्पायर देम, जो उनको इंस्पायर करता है वो चीज लिखे वो, एंड नॉट टू फॉलो एनी स्पेशल मेथड, एनी स्पेसिफिक मेथड। तो इन्होंने इस एसे में कई सारे राइटर्स को पॉइंट आउट किया है, उनको क्रिटिसाइज किया है उनके राइटिंग पर, और साथ ही साथ कई सारे राइटर्स को प्रेज भी किया है, उनको उनकी तारीफ भी की है उनके राइटिंग पर। इनके हिसाब से जो अर्लियर नॉवेलिस्ट थे, मतलब जो पहले के नॉवेलिस्ट थे, वो वही लिखे जो वो लिख पाए, जो लिख सकते थे, उनके पास जो भी सिंपल टूल या फिर प्रिमिटिव मटेरियल अवेलेबल था उसके हेल्प से जो वो लिख पाए वो लिखे उन्होंने। तो इसमें उन्होंने फील्डिंग का तारीफ किया है, साथ ही साथ जैन ऑस्टिन की भी तारीफ की है कि इन्होंने अपना काम अच्छे से किया है, और जो विक्टोरियन पीरियड के नॉवेलिस्ट थे उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। शी क्रिटिसाइजेस एचजी वेल्स, अर्नोल्ड बेनेट, जॉन गॉल्सवर्थी ऑफ राइटिंग अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अब ये अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स क्या हो सकता है, लाइक कुछ ऐसे चीजों को डिस्क्राइब करना कि लोगों ने कैसे कपड़े पहने हैं, विंडो का कर्टन का कलर क्या है, घर का लुक कैसा है। तो ये लोग ऐसे क्यों करते थे, ताकि जो ऑडियंस है वो अपने आप को कनेक्ट कर पाए और नॉवेल जो है वो ज्यादा रियल लगे। तो ऐसे कंटेंट राइटर को इन्होंने मटेरियलिस्ट कहा था, जो मैटर पे ज्यादा ध्यान देते थे, मैटर पे ज्यादा फोकस करते थे। अकॉर्डिंग टू हर, दे पुट लाइफ इनटू देयर नॉवेल्स, दे आर मेनली कंसर्न्ड विद द बॉडी नॉट द सोल ऑफ द नॉवेल। दिस इज पर्टिकुलरली बिकॉज दे आर ऑल मटेरियलिस्ट एंड आर कंसर्न्ड विद फिक्सिटीज नॉट विद मूवमेंट। फिक्सिटीज मतलब स्टेबल, परमानेंस। तो ये बोल रहे हैं कि इनका जो ट्रेंड था वो इन लोग ने फिक्स कर दिया था, स्टाइल जो था वो एक फिक्स कर दिया था, परमानेंटली हम इसी को फॉलो करेंगे, ना कि मूवमेंट को फॉलो करेंगे, मतलब चेंज को फॉलो करेंगे। व्हाइल वुल्फ क्रिटिसाइजेस दीस थ्री ऑथर, शी प्रेजेस सेवरल अदर ऑथर्स फॉर देयर इनोवेशन। तो इन्होंने जेम्स जॉयस की तारीफ की, इन्होंने कहा कि जेम्स जॉय ने वही लिखा जो उनका इंटरेस्ट था, जो उनको इंस्पायर करता था। तो ऐसे राइटर्स को, ऐसे ऑथर्स को इन्होंने स्पिरिचुअलिस्ट कहा था। मीन्स द टाइप ऑफ ऑथर हु आर नॉट कंसर्न विद फिजिकल वर्ल्ड, आउटर बॉडी, बट विद फीलिंग्स, इमोशंस, डीप थॉट्स। ऐसे ऑथर को इन्होंने क्या कहा है, स्पिरिचुअलिस्ट। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न फिक्शन ऐसे क्या सजेस्ट करता है कि एक राइटर को कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं बताया गया है यहाँ पर। सिर्फ वुल ने कहा है कि वो लिखो जो तुम्हें इंस्पायर करता है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। शी सजेस्ट दैट एनी मेथड इज राइट, एवरी मेथड इज राइट, दैट एक्सप्रेसेस वॉट वी विश टू एक्सप्रेस इफ वी आर अ राइटर, दैट ब्रिंग्स अस क्लोजर टू द नॉवेलिस्ट इंटेंशन इफ वी आर रीडर। शी वॉन्टेड राइटर्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन सच अ वे दैट इट शोड लाइफ। शी सेट आउट टू इंस्पायर राइटर ऑफ मॉडर्न फिक्शन बाय कॉलिंग फॉर ओरिजिनैलिटी, क्रिटिसाइजिंग दोज हु फोकस्ड ऑन द अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड कंपेयरिंग द डिफरेंस ऑफ कल्चरल Authors all for the sake of fiction. So friends, इस वीडियो में बस इतना ही। I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।